प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। जी हां, दिल्ली में आपको बता दें ये बैठक जारी है जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक। बैठक में शामिल हुए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम योगी भी नीति आयोग की बैठक में शामिल। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक आपको बता दें जारी है जिसमें कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। नीति आयोग की बैठक के दौरान 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की ये 9वीं बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। विजय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, क्या अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि नीति आयोग की देखिए बैठक शुरू हो गई है, लेकिन सवाल सबसे मेन जो उठता है वो उठता है मुद्दों का कि किस मुद्दों पर होगी, और 2047 के लेकर जो विकसित भारत का लक्ष्य है उस पर जिस तरह से विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा वो भी बेहद अहम हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो जिस मुद्दे और एजेंडे के साथ नीति आयोग की बैठक शुरू हुई है वो यही है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है और सभी राज्यों को एक साथ समन्वय बनाकर के विकसित राज्य की ओर ले जाना है, यानी राष्ट्र के साथ साथ राज्यों का भी पुनरुद्धार जरूरी है। और ये नीति आयोग की बैठक में पीएम योगी आदित्यनाथ और समेत जो तमाम जो बड़े नेता वहां मौजूद हैं वो सभी राज्यों के अपने अपने प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं। किन राज्यों को क्या आवश्यकताएं हैं, कौन सी परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं, केंद्र शासित कौन सी परियोजनाएं हैं, जिनका राज्यों में किस तरीके का अभी तक जो आधारभूत ढांचा रहा है उसमें कितना विस्तार होना है, कितना सुधार होना है, इस तरीके के तमाम प्रपोजल नीति आयोग की तरफ से दिए गए हैं। जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है उसमें जो नीति आयोग के जो अधिकारी हैं वो एक तरीके से कहा जाए तो विकसित भारत का खाता खींचने की तैयारी कर रहे हैं, और एक प्रेजेंटेशन पीएम मोदी के सामने भी रखा गया है जिसमें तमाम राज्यों को साथ में लेकर, यानी तमाम राज्यों के साथ भारत देश को विकसित बनाने की एक कार्ययोजना तैयार की गई है, उसको लेकर के विचार विमर्श शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री भी पूरे प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जो अभी हमारे पास जानकारी मिली है उसमें कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पहुंच चुके थे उस बैठक में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद है। लेकिन देखना यही है कि आखिरकार नीति आयोग की बैठक से क्या निकल कर आता है और क्या देश को संदेश जाता है कि आखिरकार परियोजनाएं, विकास और विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते आए हैं वो कितने दिनों में पूरा होगा और कैसे लक्ष्य तक पहुंचेगी सरकार। लेकिन विजय, जो हम सबसे मेन देख रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करना एक तरह से सरकार के लिए बीजेपी के जो ये नीति आयोग की बैठक उसमें शामिल करना एक बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। भाई ममता बनर्जी पहुंची हैं लेकिन मुखर होने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, तो इसमें ये नीति आयोग की बैठक कितना ज्यादा सफल हो पाएगी? देखिए, सफल सरकार की योजनाएं होती हैं और सरकार अपने हिसाब से काम करती है। अगर विपक्ष उस बैठक में नहीं शामिल होता है तो वो विपक्षी राज्यों का नुकसान होगा, और विपक्षी राज्य अब अपने हिस्से की जो जवाबदेही है वो उस बैठक में अगर जाते तो उसे मान सकते थे, अपने हिस्सेदारी की बात कर सकते थे। जिसकी जो समझदारी ममता बनर्जी ने दिखाई है वो अगर दूसरे विपक्षी भी दिखाते तो जाहिर सी बात है उनके राज्यों को फायदा पहुंचता। अब ये है कि अगर राज्यों को कुछ नहीं मिलेगा तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर फूटेगी। योगी सर, पीएम मोदी की जो नीति आयोग की जो समीक्षा रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का अलग से जिक्र जरूर किया जाएगा कि इन राज्यों के प्रतिनिधि नहीं मौजूद थे, इसलिए उन राज्यों की कई परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ा रहे थी, अभी संस्तुति नहीं मिल पाई।